जाएगा बेकरी को। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि मोईद ने जिस तरह से कुकर्म किया उसकी सजा उसे मिलेगी। रेप पीड़ितों ने भी कहा था मुख्यमंत्री से मिलकर कि आप इस पर बुलडोजर की कार्रवाई करें, इसके मकान हो या दुकान हो इस पर आप कार्रवाई करें। बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ संजय निषाद मिलने पहुंचे रेप पीड़ित के परिवार से और जब निकले हैं तो वो अपने आंसू को नहीं रोक पाए हैं, वो फपक फपक कर रो पड़े हैं। और दूसरी तरफ शासन प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को ले रहा है, वो बुलडोजर के जरिए अब उस बेकरी को गिराने की तैयारी में है जो मोईद का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संजय निषाद रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद काफी भावुक दिखे और फपक कर वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि हमें निषाद समाज की इस बिटिया को न्याय दिला रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील किया है कि राजनीतिक दल जो है अब इस पूरे मामले पर राजनीति न करें और पहले सबसे उसके खिलाफ कार्रवाई करें और इस तरीके के दुराचार के साथ न खड़े हों। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेकरी जो अवैध रूप से बनाई गई थी उस बेकरी पर फिलहाल बुलडोजर का शुरू कर दिया गया है और बेकरी गिराई जा रही है। अभी सुबह खाद्य विभाग की टीम ने वहां पर छापेमारी की थी, सैंपलिंग की थी और उसका बेकरी सील की थी, लेकिन अब दुराचार आरोपी मोइन खान के बेकरी पर जो जमलाइजेशन का कार्य है वो शुरू कर दिया गया और जेसीबी से के जरिए उसकी बेकरी को गिराया जा रहा है। बिल्कुल, और निमेश जैसे यहाँ पर बेकरी को तो गिराने की तैयारी हो रही है लेकिन उसके घर की पैमाइश भी हो रही थी, उसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी राजस्व की टीम उसके घर के कागजात, आरोपी के घर के कागजात और तमाम चीजें जान रही है कि कौन कहाँ से बनी है और किस तरीके की ये बिल्डिंग है, किस जमीन पर बनी है, कहीं नजूल है और क्या है, तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। जैसा मुख्यमंत्री ने आश्वस्त दिया था कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को जो आरोपी है और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ ऐसा ही एक कार्रवाई सुबह से ही देखने को मिल रही है। फिलहाल बेकरी पर बुलडोजर चल रहा है और अब जल्द ही उसके घर की पैमाइश पूरी होने के बाद राजस्व की टीम भी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ करीब करीब सारे मामले जो जांच में अब तक आए हैं उसमें बेकरी जो है वो अवैध रूप से संचालित है। उस बेकरी को लेकर के जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, बेकरी को पहले सील किया गया था, बाद में अब डेमोलाइजेशन का कार्य बेकरी में शुरू कर दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए निमेश, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो गई है और आगे इस पर पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है? ठीक है, राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, चाहे वो मोईद का घर हो या बेकरी हो, उसे अभी इस वक्त बेकरी ढहाने का काम भी कुछ देर में वहां पर शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या आगे अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है मोईन खान और उसके सहयोगी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक घटना के बाद जिस दिन इस पूरे मामले पर FIR दर्ज हुई उसी दिन इन दोनों लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कई बिंदुओं पर जांच करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस और मामले पर बारीकी से प्रशासन भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, अपने अपने स्तर पर जांच हो रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके की इंसिडेंट हुई और कब तक कैसे इसको संगठन में, इसको लेकर के पुलिस विभाग ने हल्का प्रभारी से लेकर के और उस क्षेत्र के SHO तक पर कार्रवाई की और हर व्यक्ति को वहां से हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। ये माना जा रहा है कि मोईन खान के घर में जो पुलिस चौकी संचालित है उसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं उसे लाभ देने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SHO और थाना चौकी प्रभारी के साथ साथ पुलिस के सिपाहियों को भी सस्पेंड किया था और अब जो डेमोलाइजेशन की कार्रवाई है वो अब तक कुछ देर में शुरू हो सकती है, लेकिन राजस्व और रेवेन्यू की टीम अपनी जांच दे रही है और बेकरी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं बेकरी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बेकरी को गिराया जाना शुरू कर दिया गया है। जी, बेकरी को गिराया जाना शुरू कर दिया गया, लेकिन मोईद कहाँ है, कुछ पता चल पाया है क्या? मोईद पुलिस की हिरासत में है, मोईद को पुलिस ने हिरासत में लेकर पहले ही जेल भर। अच्छा, मोईद सहित कितने लोग हैं कुल निमेश, मोईद सहित कितने लोग हैं? रूप से जो पुलिस की जांच है उसमें जो पीड़िता है उसके आरोप के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत किया और 2 लोगों को जेल भेज दिया। और जो धमकी देने के मामले में उसमें कितने ऐसी है जिन पर FIR दर्ज हुई है, जो धमकी पीड़ितों के पीड़ित परिवार को देकर आए थे? और आरोपियों की तलाश की जा रही है, उसमें 4 लोगों को आरोपित किया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल पुष्टि। और क्या इस वक्त बेकरी गिराने का काम शुरू हो चुका है निमेश? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई बेकरी पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अब जेसीबी के जरिए बेकरी पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर के जरिए
बेकरी को गिराया जा रहा है। ये निमेश, ये बेकरी यहाँ पर कब से यहाँ पर ये चला रहा था गैर कानूनी तरीके से? देखिए, काफी लंबे समय से बेकरी संचालित थी, जहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने आज जो छापेमारी की है उसके अंतर्गत कई टोस्ट हैं, उसके अलावा तमाम जो बेकरी के खाद्य सामग्री है उसका सैंपलिंग किया था, उसके बाद सील किया गया। उसके बाद जब और बारीकी से जांच किया गया तो पाया गया कि ये अवैध रूप से संचालित है और काफी लंबे समय से आरोपी इसको संचालन कर रहा था, जिसके बाद जंगलाइजेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब जंगलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त बेकरी गिराने का काम चल रहा है, मोहित की बेकरी है, बेकरी को चिन्हित किया गया, अवैध तरीके से इसे चलाया जा रहा था, लेकिन अब जेसीबी द्वारा इसे गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बताया जा रहा है, निमिश भी बता रहे हैं कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह से, चाहे वो मोहित का घर हो या फिर बेकरी यानी कि दुकान हो, हर जगह पर छापेमारी की गई, घर पर भी पैमाइश की जा रही है कि वहां पर भी किसी तरह से अवैध निर्माण तो नहीं किया गया। बेकरी भी पहुंची, वहां पर छापेमारी की और जब तब पता चला कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था यह बेकरी, उसके बाद बुलडोजर यहां पर पहुंचा और अब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई। अब आपको बता दें, पीड़ित परिवार योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था, उनका कहना था जिस तरह का कुकृत्य मोहित ने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त दिखाई दे रही है, पुलिस तैनात है, बेकरी खाली करा दी गई है, बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। यह खबर हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, अयोध्या की खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, एसपी के नेता है मोहित और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति से ऊपर उस लड़की को इंसाफ दिलाना है जो इस वक्त प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बेकरी पर कार्रवाई, सामान निकाला गया और पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। निमेश, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, पीड़ित परिवार उनसे मिलने था, बुलडोजर की कार्रवाई की उन्होंने बात की थी, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए किया गया और अब पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश सरकार की तरफ से। निमेश, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ निमेश, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल निमेश, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने कहा था कि इस तरह से कुकृत्य करने वाले पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, तब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए इस काम को वो करेंगे। अब जब बेकरी बताया जा रहा है कि अवैध रूप से चलाई जा रही थी, यानी प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर एक बिंदु, हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पहले पर जांच कराई और जब गलत प्रचीज मिली है उसके पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे बेकरी वाले मामले पर बेकरी गलत तरीके से बनाई गई थी, बेकरी का संचालन गलत तरीके से किया जा रहा है, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है। रेवेन्यू राजस्व की टीम अब उसके घर को लेकर पैमाइश कर रही है, घर को क्या तलाश रही है और ये देख रही है कि घर किस तरीके से बना है, उससे कितना वैध है, तमाम चीज बिंदुओं पर जांच करिए। फिलहाल रेप पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मुख्यमंत्री से न्याय मांगा था और जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर एक बिंदु पर कठोर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया जाएगा कि धर्म की रामनगरी में इस तरीके का कुलकर्ष और इस तरीके की घटना के बाद हर व्यक्ति और एक नेता पर इस तरीके का गंभीर आरोप था, जिससे पुलिस ने जांच की और जांच के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और अब राजस्व और रेवेन्यू की टीम आरोपी के आवास और इसके साथ साथ उसके प्रतिष्ठान पर छापेमारी करने के बाद उस पर जांच कर रही है, जांच करने के बाद बेकरी को जमलाइज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और मौके पर हमारे सहयोगी केवी शुक्ला भी मौजूद है। केवी, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, बुलडोजर आया था, कार्रवाई शुरू भी हुई थी, लेकिन रास्ता सकरा होने के कारण, मौसम जो है बरसात होने के कारण
बगल में तालाब है, तो जो बुलडोजर का एक पहिया वो दलदल में धस गया तो कार्रवाई रुक गई है, दूसरा बुलडोजर मंगाया गया है। हाँ। और एहतियातन सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि बदरता जो है एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं किसी भी समुदाय की दुकानें बंद कर दी गई है, लोगों को घरों के अंदर कर दिया गया है, कोई घर से बाहर ना निकले, चप्पे चप्पे पर हर मोहल्ले में हर गली में हर मोड़ पर पुलिस फोर्स तैनाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। हालांकि दूसरा बुलडोजर मंगाया गया है, पहला बुलडोजर फंस गया है, उसको निकालने का प्रयास किया गया लेकिन निकल नहीं पाया। केबी कौन सा इलाका है जहां पर मोहित का ये जो बेकरी मोहित की है, वो कौन सा इलाका है वो अयोध्या का? ये भदरता कस्बे का इलाका है, भदरता कस्बे में इसकी बेकरी है, और एक बेकरी जो है वो सरकारी जमीन पर यानी कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। जब इसकी नाप जो हुई, पैमाइश हुई, तो मालूम पड़ा कि ये अवैध कब्जा कर रखा था। ये जमीन जो है सरकारी है, तालाब की जमीन है, तो इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसको निस्तराबूत करने के बाद इनकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हालांकि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भाई के नाम है, लेकिन अगर वो भी तालाब की जमीन पर मिलती है या सरकारी जमीन पर मिलती है तो उसको भी निस्तराबूत किया जाएगा। कुल मिला के जो परिजन सीएम योगी से मिले थे, सीएम योगी के आश्वासन के बाद कठोर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले जो है उनको जेल भेजा गया, चौकी इंचार्ज SHO सस्पेंड किए गए, उसके बाद SDM साहब के नेतृत्व में जो है कि नाप जोक जमीनों की शुरू हुई, पैमाइश शुरू हुई। तो कुल मिलाकर पहले बेकरी जो है वो नाजायज पाई गई है, बेकरी जो है वो सरकारी जमीन बनाई गई है, तालाब की जमीन बनाई गई है, तो उसको निस्तराबूत करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि थोड़ी ही दीवार गिराई थी, उसके बाद जो है बुलडोजर का पहिया जो है वो दलदल में धस गया, तो कार्रवाई थोड़ी देर की रोक दी गई है, लेकिन अभी कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी। दूसरा बुलडोजर मंगाया गया है, दूसरा बुलडोजर आने के बाद ही दूसरी दिशा से यानी जो दूसरा दिशा है उसका जो अपोजिट जो दीवार है उससे गिरने काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल केबी, और हमने देखा इस पूरे मामले में त्वरित गति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो छोटी पीड़ित बच्ची है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, और अब वो इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। वो परिवार योगी आदित्यनाथ से भी मिला था, बुलडोजर की बात भी उन्होंने की थी कि बुलडोजर की कार्रवाई हो, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में। पहले आरोपियों को जेल भेजा गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि एक एक कर अब ये देखा जा रहा है कि मोहित की संपत्ति कहां पर है, क्या कोई किसी तरह का अवैध कब्जा तो नहीं किया गया, और इसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई हो रही है, पहले आरोपियों को जेल, फिर नाप जोक, अब फिर गिराने काम शुरू किया रहा है। इस बीच एक नया अपडेट आया था कि जो भदरता के जो नगर पंचायत चेयरमैन है राशिद खान, मोहम्मद राशिद खान, वो पीड़िता से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं, सुलह का दबाव बनाते हैं, पैसे का प्रलोभन भी देते हैं, और ऐसा न होने पर वो जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज होती है। हालांकि जो तीनों लोग मौके पर गए थे, तीनों लोग फरार हैं और पुलिस टीमें गठित की गई उनकी गिरफ्तारी की। तो राशिद खान जो चेयरमैन है, जो सपा के चेयरमैन राशिद खान, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज हुई है, पीड़िता को धमकाने का, उनको प्रलोभन देने का केस दर्ज हुआ। कुल मिलाकर कभी भी मोहम्मद राशिद खान जो कि नगर पंचायत भदरता के चेयरमैन है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पीड़िता को वो धमकाने गए थे, उनको प्रलोभन देने गए थे, पैसा देने का भी प्रलोभन दिया, लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। कुल मिलाकर अभी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, किसी भी समय चेयरमैन मोहम्मद राशिद खान गिरफ्तार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीएम योगी के निर्देश तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई हुई, सबसे पहले SHO रन शर्मा सस्पेंड किए गए, भदरता चौकी इंचार्ज के ऊपर सस्पेंड किए गए, उसके बाद SDM सुहावल अशोक सैनी के नेतृत्व में राजस्व कर्मी ने उनकी प्रॉपर्टी की जांच शुरू की, पैमाइश शुरू की, नाप जो शुरू की, तो कुछ कड़ी में ये पहला एक्शन जो है इनकी प्रॉपर्टी पर, इनकी बेकरी रहने काम किया जाता, उसके बाद इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, इनके आवास भी है, इनकी और भी प्रॉपर्टी भदरता कस्बे में है, वो सब जांच के दायरे में है। तो कुल मिला के जिस तरह से एक्शन हो रहा है, लोगों को उम्मीद थी कि सीएम योगी का आश्वासन ही सब कुछ होता है, अगर उन्होंने आश्वासन दे दिया तो समझ लीजिए कि कार्रवाई हो गई। तो जिस तरह से लेकिन केबी, ये सबसे बड़ी बात है कि कल देर रात जो पीड़ित परिवार है उसको धमकाने के लिए पहुंच गए ये तमाम लोग जो मोहित से संबंधित संबंध रखते थे, हालांकि उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है उसको किस तरह से सुरक्षा दी गई है, क्योंकि लगातार उस परिवार को धमकाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रात में इनको धमकाने आया, उसके बाद जिला अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो है उम्मीद राजमा मंत्री जो है संजय निषाद भी पीड़िता से मुलाकात की है, सारी आश्वासन दिए कार्रवाई की, कार्रवाई हो भी रही है। तो कुल मिला के
जिला अस्पताल में जहां पर बच्ची भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, तो वहां पर सुरक्षा सलाह दी गई है कि कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा आदमी अब वहां पर नहीं जा पाएगा। और उसको यही नहीं, अब उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से उसको पहले जनरल वार्ड में रखा गया था, तो लापरवाही यही सामने आई थी कि एक रेप पीड़िता को, जो भी जो कि प्रेग्नेंट है, उसको जनरल वार्ड में रखा गया, जहां पर सैकड़ों जो है वहां पर मरीज भर्ती हैं, उनके बीच उसको रखा गया। ये सबसे बड़ी लापरवाही थी, उसको एक प्राइवेट वार्ड में रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया। अब जब धमकाने वाला मामला सामने आया है, तब उसको अब एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच संजय निषाद भी आज पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है, हर आर्थिक संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निषाद समुदाय की है। इसीलिए विधायक अभय सिंह ने भी अपने ही पार्टी पर सवाल उठाया था कि जो पीडीए का नारा देते हैं, क्या निषाद पीडीए में नहीं आता है? क्या निषाद की साथ कोई खड़ा है? अगर पीडीए का नारा दे रहे थे तो क्यों नहीं उसके साथ कोई खड़ा हुआ है? सपा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। उसकी आर्थिक मदद या उससे मिलने की बात तो बात छोड़ दीजिए। तो जिस तरह से सपा ने अपने पीडीए को लेकर नारा दिया था, उस पीडीए पर बिल्कुल सपा के अंदर से ही नाराजगी भरी बातें सामने आ रही है। हालांकि अगर कभी इस पूरे मामले को देखा जाए, जो एसपी नेता है मोईद, जरा उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, किससे नजदीकी थी, क्या था, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। देखिए, मोईद खान जो आरोपी है, वह सपा का पुराना सदस्य है, पुराना नेता है, वो सांसद अवधेश के प्रसाद से बहुत करीबी है, और इसी के चलते वो भदरता नगर पंचायत का वो सपा का नगर अध्यक्ष भी बन गया। इस समय वो पद पर है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सपा ने उसको पद से हटाया तक नहीं है। कोई कार्रवाई सपा की तरफ से नहीं हुई है कि उसको सपा के नगर अध्यक्ष पद से हटाया गया हो, तो सपा ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही मदरसा नगर में जो कस्बे में है, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है, काफी रसूखदार आदमी माना जाता है वो। जैसा की अभी सिंह ने बताया था, वहां बातें खुलकर आई थी कि मदरसा कस्बे में और ढेर सारी बच्चियों से भी इस तरह के दुष्कर्म किए गए हैं। जो बातें खुलकर सामने नहीं आई, उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो कुल मिला के जिस तरह से इसका रसूख है बदरसा में, वो बहुत ही है। नगर पंचायत चेयरमैन जो खुद उसके उसका समर्थन, चलिए रसूख है चाहे जो भी है, लेकिन इस वक्त बड़ी कार्रवाई मोईद खान के बेकरी पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ देर में उस बेकरी को जमींदोज किया जाएगा। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। के भी आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।